केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब लोकसभा चुनावों में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, गुजरात, असम और हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल को यहां स्टार प्रचारक के रूप में शामिल होना था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है। ऐसे में केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने मोर्चा संभाला है और पीएम मोदी पर कई सवाल दागे हैं। दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का पहला बयान सामने आया है। इसमें वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आ रही हैं। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने सत्ता के अहंकार में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको कुचलने में लगे हैं, ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहे या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है, ये जनता जनार्दन है, सब जानती है, जय हिंद। बता दें कि ऐसे में अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बात की काफी समय से चर्चा भी थी कि अगर केजरीवाल के खिलाफ ईडी कोई कार्रवाई करती है तो उनकी पत्नी दिल्ली सरकार या पार्टी की कमान संभाल सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के नेतृत्व पर संकट पैदा हुआ तो सबसे पहले उनकी पत्नी और पूर्व IRS सुनीता केजरीवाल का नाम ही उनके विकल्प के तौर पर सामने आया। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।